और अगली खबर दिल्ली से, जहां दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। एक आठवीं कक्षा के छात्र के साथ उसी की कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। ना सिर्फ बेदर्दी से उसको मारा बल्कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया। दिल्ली के अशोकनगर में एक स्कूल में एक 14 साल के मासूम बच्चे को पहले तो उसी के क्लासमेट ने दूसरे लड़कों के साथ मिलकर पीटा और उसके बाद उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स में एक डंडा डाल दिया, जिससे बच्चे को गहरी चोट आई और उसकी इंटेंस टाइम पर भी भारी चोट आई। एक महीने के बाद अब जा कर के बच्चा अपने घर आया है, लेकिन अभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं उसी परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। उनकी बच्चे की जो माता है वो इस वक्त हमारे साथ है। हमें वो पूरा मामला बताएंगी कि क्या हुआ था और फिलहाल अभी क्या इस पूरे केस में हो रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपको इस बारे में जानकारी कब मिल पाई थी? जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन के बीच में जब डॉक्टर आए तब डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से सिर्फ घर आता है, उसके अलावा मैं अपने बच्चे को कहीं जाने नहीं देती। तब मुझे डॉक्टर ने बताया। और आपने बच्चे से जब पूछा तब आपको पूरा पता चला कि उसके दोस्तों ने या फिर जो क्लासमेट थे उन्होंने छेड़खानी करी, पहले भी करते थे? नहीं, मेरे बच्चे को 13 तारीख को इन लोगों ने मार पिटाई करी थी, जिससे मैडम ने सॉरी बुलवा दी थी, और उस सॉरी का बदला इन्होंने 18 तारीख को लिया, क्योंकि इन्होंने मेरे बच्चे को बोला था कि तूने मैडम से शिकायत लगाई है हमारी, तूने हमसे को सॉरी बुलवाया है, तो अब तू इसका भुगतियो। 18 तारीख को जिस दिन लास्ट पेपर था उस दिन मेरे बच्चे के साथ उन्होंने ये हादसा करा। बस मैं आपसे और आपको परेशान नहीं करना चाहूँगा, बस आपसे एक आखिरी सवाल कि आप प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं अब, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है। एक आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है उसने अभी 4 बच्चों का और नाम नहीं बताया है। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा वो करो ताकि जज साहब के कानों तक जाए कि उस बच्चों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उस बच्चे को अगर जमानत मिली तो और बच्चे के मन में ये डर बैठ जाएगा कि क्राइम करने के बाद कुछ नहीं होता, जमानत मिल जाती है।